गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने कल दिए थे। कुछ बच्चों ने आंसर दिया सही है और कुछ के आंसर नहीं आ रहे थे, गलत आ रहे थे, ठीक है। तो और कुछ के डाउट्स हैं, तो इन क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ वन बाय वन। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था, हिमांशु विड्रॉ कर रहा है 2500 एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है, निकाल रहा है पैसा अपने बिजनेस से, कितना 2500। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट कितना दिया, इंटरेस्ट रेट कितना दिया 12% पर एनम, कैलकुलेट करना है हिमांशु का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और कब, 31 दिसंबर 2006। क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो सॉल्यूशन इसका, हिमांशु विड्रॉ कर रहा है हर महीने 2500, फिर उसके बाद हम, इसके बाद देखो हम टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। सबसे पहले 2500 × 12 तो कितना आ जाएगा, 30,000। अब क्वेश्चन में देखो, हिमांशु यहाँ दिया क्वेश्चन में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ दिया है, और मैंने आपको बता चुकी ये बात, एट द एंड ऑफ ईच मंथ जब भी दिया हो क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, 12 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, 11, और 2 से डिवाइड कर देंगे। 1 क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि साल में कितने महीने रहते हैं, 12, ठीक है, और उसको किससे, साल में कितने महीने रहते हैं, 12, और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 1 मंथ आ जाएगा, इसलिए 1 मंथ के लिए निकालेंगे, ठीक है। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे, साल में 12 महीने रहते हैं, हमेशा 12 ऊपर रखेंगे, और यहाँ ईच मंथ की बात कर रहे हैं तो साल में 12 महीने रहते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे, इसलिए कितना आ गया, 1, इसलिए 1 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ दिया है तो 1 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 11/2, हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कितना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं, एंड ऑफ ईच मंथ जब भी दिया हो तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, 12 में से 1 माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11/2 आ जाएगा। फिर टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड, ये हमारा फॉर्मूला है, इसे वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल ड्राइंग इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई, 30,000 हमने निकाल ली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12% पर एनम, वो लिख दिया, और एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया है 11/2। ये हमने जो इंटरेस्ट निकाला वो टोटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। हमको हमेशा मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना रहता है, क्वेश्चन में दिया हो या नहीं, आपको मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। मंथली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा, जो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 1650। 12 से मालूम है ना क्यों, क्योंकि ये साल में 12 महीने रहते हैं, इसलिए 12 से डिवाइड किए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भरम जो है पार्टनर फर्म में है, वो विड्रॉ कर रहा है कितना, 3000, कितना विड्रॉ कर रहा है, 3000, और इस क्वेश्चन में ये दिया स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, और इसमें 12 मंथ के लिए दिया है। द बुक ऑफ द फर्म लॉसेज ऑन 31st March एवरी ईयर, March एवरी ईयर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेट करना, रेट कितना दिया, 10% दिया हुआ है पर एनम। तो सबसे पहले भरम की ईच मंथ की ड्राइंग कितनी दी है, 3000, इसका टोटल ड्राइंग निकाल देंगे, 3000 × 12, ये टोटल ड्राइंग हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, ठीक है, तो 1 प्लस कर दिया और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, या तो इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 + 1 किया, अपॉन 2 लिख दिया, 13/2 आ गया। अब ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, टोटल ड्राइंग इंटू रेट
ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। वैल्यू पुट करेंगे, टोटल ड्रॉइंग हमारी कितनी आई 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, एवरेज पीरियड हम निकाल चुके हैं 13/2, ये आ गई हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और हम ईच मंथ की निकालते हैं इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1950 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जो कैपिटल जो मौली और गोलू दोनों की दी है, कैपिटल कितनी दी है 40,000 20,000 दी है 1 अप्रैल की, ठीक है, दे शेयर्ड प्रेजेंट, ठीक है, हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमें मेन हमको क्या दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का है और इसमें मौली के बारे में दिया कि मौली जो 1,000 पर मंथ विड्रॉ कर रही है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है तो हमें सिर्फ ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग मौली की हमको दी है 1,000 पर मंथ और बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो मौली की ईच मंथ की ड्राइंग कितनी है 1,000, टोटल ड्राइंग हमारी 1,000 इंटू 12 कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 एवरेज पीरियड, वैल्यू पुट कर दी हमने, टोटल ड्राइंग कितना है 12,000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 10% मत लिख देना क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 12% पर एनम, क्वेश्चन में देखिए तो 12/100 कर दिया। अब इस क्वेश्चन में मौली का क्या दिया बिगनिंग में कितना आता है 12 + 1/2 इसलिए 13/2, इसको पुट किया और इसको कैलकुलेट किया 9360 आ जाएगा। फिर वन मंथ का निकालते हैं ना हम हमेशा, तो जैसे ही हमने 12 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया आंसर 780। इसी तरीके से हम नेक्स्ट किसका निकालेंगे, गोलू का, गोलू की ड्राइंग ईच मंथ की कितनी थी 1,000, टोटल ड्राइंग हमारी कितनी है 1,000 इंटू 12,000 आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा दिया टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड का ईच एंड ऑफ ईच मंथ का क्या होता है 12 में से 1 माइनस कर देते डिवाइड बाय 2 यानी 11/2, ठीक है। देखो गोलू का जो दिया हुआ है विड्रॉ 1,000 कर रहा है पर मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ दिया ना इसलिए 1 माइनस किया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल ड्राइंग 12,000, रेट 12/100 और एंड ऑफ ईच मंथ है तो इसलिए 11/2, तो ये कैलकुलेट किया तो टोटल हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 7,920 आ गया। फिर ईच मंथ का निकालना है तो ईच मंथ में 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 660, क्लियर है। ये तो कल के क्वेश्चन दिए थे उसका सॉल्यूशन बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमको अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है लेकिन हमने उसमें बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ दिया। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉ, एक जैसा अमाउंट विड्रॉ कर रहा है लेकिन क्वार्टरली इंटरवल ऑफ टाइम दिया है, क्या दिया है क्वार्टरली इंटरवल ऑफ टाइम दिया है। अब इसमें क्वेश्चन हम पहले सबसे पहले देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसकी हेल्प से हम ये पूरे केसेस पढ़ेंगे क्वार्टरली वाले, ठीक है, क्वार्टरली में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना है, कौन है मिस्टर सिद्धांत है, रेट कितना है 10% पर एनम है, ठीक है, और कब का डेट कितनी है 31 मार्च 2017 है। हमको केसेस दिए है, पहला केसेस के दिए है इफ ही विड्रॉ, अगर वो विड्रॉ कर रहा है सिद्धांत 6,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करना है, उसमें बिगनिंग में 1+ कर रहे थे, एंड में 1- कर रहे थे, मिडिल में 0 कर रहे थे, ठीक है, वैसे ही इसमें भी करना है क्वार्टर में। अब देखो मैंने बताया था 12 से डिवाइड करते हैं, अगर ईच मंथ दिया है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब 12 को क्वार्टर दिया है, क्वार्टरली है मतलब अगर साल को बराबर बराबर बांटा जाए तो कितने 4 महीने होते हैं ना, तो 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 3 मंथ्स, इसलिए इसमें 3 का प्लस और माइनस करेंगे,
ठीक है, क्वार्टरली जब भी दिया हो। अब फर्स्ट केस दिया हमको, ये विड्रॉ कर रहा सिद्धांत कितना 6000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, ठीक है, और एक क्वार्टर का कितना दिया है 6000, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 6000 × 4, ये साल भर की ड्राइंग हो गई 24000। फिर हमारा वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हमारा क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा इसमें, जैसे हम बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में 1 प्लस करते थे, ये क्वार्टर है इसलिए 3 प्लस करेंगे, तो 12 + 3/2 यानी 15/2 हो जाएगा। अब वही फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, टोटल ड्राइंग 24000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 × 100, और एवरेज पीरियड हमारा कितना है 15/2, तो ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18000। हम पर मंथ निकालते हैं हमेशा, तो इसलिए इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1500, आपको आई थिंक आ गया होगा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ क्वार्टर के लिए। ऐसे ही एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर बोला है, तो देखिए सेकेंड केस में ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रहा 6000, टोटल ड्राइंग निकालेंगे 6000 × 4 कर दिया 24000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो मैंने क्या बताया था 3 का माइनस करेंगे, एंड में माइनस करते हैं ना, माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 2, 9/2 आ गया, ठीक है, तो हमने 9/2 को डिवाइड किया तो कितना है 4.5 months, चाहे तो वही, ठीक है। फिर वापस हम यही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टोटल ड्राइंग 24000 है, रेट कितना है 10/100, एवरेज पीरियड हमारा इस क्वेश्चन में कितना है 4.5, या 9/2 भी लिख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 12 से डिवाइड कर देंगे तो ईच मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ही विड्रॉ, अगर सिद्धांत विड्रॉ कर रहा है 9000 विड्रॉ कर रहा है मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है, मिडल ऑफ ईच मंथ दिया इसमें, तो एक क्वार्टर का कितना विड्रॉ कर रहा है 9000, तो टोटल ड्राइंग कितना हुआ 9000 × 4, तो कितना आया 36000, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड, ठीक है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में जीरो को जीरो मतलब कुछ भी प्लस और कुछ भी माइनस नहीं करते, मिडिल में हमेशा ध्यान रखना नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 6 months, तो टोटल ड्राइंग 36000 है, रेट कितना 10/100, और हमारा एवरेज पीरियड कितना है 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 21600 आ जाएगी, और ईच मंथ की हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इसलिए 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1800। तो आई थिंक सबको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वार्टर के हिसाब से निकालना समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करती हूँ, तो आप उसको सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू।